हूं, निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि 2018 से 23 के बीच में जयपुर जिले के अंदर 29 धार्मिक स्थल चयन किए गए, जिन पर 35,26,84,471 रुपए का स्वीकृतिकरण हुआ और 25,01,02,471 रुपए खर्च किए गए। इनमें क्या हुआ, हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के मंदिर के लिए 20,30,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट 23-24 में बना और कार्यकारी एजेंसी जेडीए थी। हुआ क्या, जेडीए को 2.5 करोड़ रुपए दे भी दिए गए लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज की तारीख तक गोविंद देव जी का काम, जिसके लिए हमारे आदरणीय गहलोत साहब 100 करोड़ रुपया लगा के परियोजना बनाने का काम करते कह रहे थे, वो होल्ड पर रखा हुआ है। जिस गोविंद देव जी की छत्र छाया में सारा जयपुर निवास करता है, उनके मंदिर के लिए स्वीकृत की हुई राशि और जेडीए को दिया हुआ पैसा होल्ड पर रखा जाए, ये हमारे पूरे राजस्थान के लिए अन्याय की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, ईदगाह के लिए 9,82,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए हुए दिया गया और 2 करोड़ रुपए, बैठिए बैठिए, क्या नहीं बोलेंगे, देवस्थान की बात चल रही है, होगी बात, देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? अरे बजट है, बजट है, मंदिरों की बात चल रही है, मंदिरों का पैसा दे रहे इधर उधर, मंदिरों से लिया हुआ पैसा 2,45,50,000 रुपए शांत रहे, ईदगाह के लिए दिए गए 1,90,00,000 रुपए खर्च भी हो गए। गोविंद देवालयों का पैसा गोविंद देव जी के लिए होल्ड और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? आपको आश्चर्य होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मैंने ही कह रहा था हवा महल में और मैंने दिए गलता पीठ में, मैंने दिए गलता पीठ में और मैंने दिए खोल के अड़बान जी में, और ईदगाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मैंने दिए ईदगाह गलता पीठ के ऊपर और मैंने दिए खोल के अड़बान जी के ऊपर। बातें करते हो जातिवाद की। माननीय सभापति महोदय, संरक्षण दीजिए, संरक्षण दीजिए, दरगाह 4 दरवाजा को मंदिरों का 95,00,000 रुपया दिया गया, दरगाह सांभर को 70,00,000।